हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो सहना यासीन, हेलो एवरीबॉडी, कौन कौन है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो सहना यासीन, फटाफट लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकें। हेलो आरती, चलिए तो आप सब लोग आ गए हैं, हम क्लास शुरू करते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हमने स्पेंसर तक सब जो लिटरेचर का हिस्ट्री था वो कवर किया था। आज हम स्पेंसर के बाद से स्टार्ट करते हैं। नॉन ड्रामेटिक इंग्लिश पोएट्री में सबसे ग्रेटेस्ट नेम है स्पेंसर का। स्पेंसर को हम लोग पोएट ऑफ चिवलरी एंड मिडीवियल एलिगरी भी कह सकते हैं। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है, एलिजाबेथन एज, एज ऑफ ट्रांजिशन। तो ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है कि एलिजाबेथन एज क्या थी। एलिजाबेथन एज एज ऑफ ट्रांजिशन थी। उस समय एक तरफ जो वहां पे कैथोलिक रिचुअल थे उनके ऊपर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर अटैक कर रहे थे, और दूसरी तरफ यूरोपियन ह्यूमनिस्ट में जो एंथुसियाज्म था वो बढ़ता जा रहा था। स्पेंसर जो था, स्पेंसर की दोनों के साथ सिंपैथी थी, इसीलिए उसने इन दोनों डाइवर्जेंट एलिमेंट्स को अपने वर्क द फेरी क्वीन के अंदर रिकंसाइल करने की कोशिश की। यानी कि ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि स्पेंसर जो था वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों को रिकंसाइल करना चाहता था। हेलो जय मेहरा, हेलो राज सिन्हा जी। फेरी क्वीन एक एलिगरी के फॉर्म में लिखी गई थी। हालांकि सरफेस जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो हमें पता, हमें लगता है कि इसमें इंटीग्रू है, इसमें करप्ट डीलिंग है और इसके अंदर क्लेवर मैन्युपुलेशन है, लेकिन जब आप इसको डीपली पढ़ते हो ना तब आपको समझ में आता है कि ये, अगर हम हायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब हम इसको क्या मानते हैं कि इसके अंदर इंटीग्रू है, षड्यंत्र है, इसके अंदर करप्ट डीलिंग है। लेकिन अगर आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक एलिगरी थी। और जो मिडिवियल टाइम के में जो रोमांस था ये उसको हमारे सामने लेकर आती है। इसको पढ़ते समय हमें जिंदगी की हार्श रियलिटी भूल जाती है और हम एक तरह से फेरी लैंड में चले जाते हैं, जहां पर जो नाइट थे वो क्वीन ग्लोरियाना के लिए चिवलेरिक डीड्स परफॉर्म कर रहे थे, बड़े बहादुरी वाले काम कर रहे थे। हमें शेफर्ड्स मिलते हैं इसको पढ़ते समय, हमें निम्फ अप्सराएं मिलती हैं, सटायर्स मिलते हैं। स्पेंसर ने कुछ और भी खास पोएमें लिखी थी जिनमें उसकी शेफर्ड्स क्लेंडर जो कि उसने 1579 में लिखी थी ये बहुत फेमस है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसमें, हां जी राज सिन्हा जी, जरूर इस पर मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, एक दो दिनों में ही बनाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए।
शेफर्ड कैलेंडर के अंदर 12 पोएम्स हैं, जिनमें जो फर्स्ट पोएम है, ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट पोएम किसको एड्रेस है, फर्स्ट पोएम क्वीन एलिजाबेथ को एड्रेस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये 12 पार्ट्स में डिवाइड कैलेंडर था, जिसमें हरेक मंथ पर एक, हरेक मंथ के ऊपर एक पोएम थी। वैसे पोइट ने इसके अंदर एक रोजालिंड के प्रति अपना प्यार दिखाया था, लेकिन सबको पता है कि ये रोजालिंड नहीं, ये क्वीन एलिजाबेथ के लिए था। इसके अंदर बहुत सारे मॉरल क्वेश्चन थे और इसमें कंटेम्प्रेरी रिलीजियस इशू भी थे। इसी तरह की एलिगरी का यूज स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल में किया था। एस्ट्रोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रोफिल एक एलिजी है, जो कि एस्ट्रोफिल एक एलिजी है जो उसने सिडनी की डेथ पर लिखी थी, और सिडनी को ही इसने कैलेंडर को डेडिकेट किया था। अब ये क्वेश्चन सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और हम कहते हैं हमें तो आते नहीं है, हमने ये पढ़े ही नहीं हुए। वो हमने क्यों नहीं पढ़े होते हैं, क्योंकि हमने डिटेल में नहीं पढ़ा होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाए कि शेफर्ड्स कैलेंडर किसको डेडिकेटेड था, तब हम तो इसको भूल जाएंगे। एक इसने वर्क लिखा था फोर हिम्स, जो कि इसने लव और ब्यूटी के ऑनर में लिखा था। इसने एक वर्क लिखा था एमोरेटी, एमोरेटी सोनेट कलेक्शन था इसका, जिसके अंदर 88 सोनेट थे, और ये सोनेट पेट्रार्कन पैटर्न से लिखे गए थे, जो उन दिनों बहुत फेमस था। इस बॉयल जिससे इसने 1594 में शादी की थी, उसको प्रपोज करने के लिए इसने एमोरेटी लिखा था। वेरी गुड इवनिंग संदीप जी। इसने एक एपिथेलमियन लिखा था, एपिथेलमियन एक मैरिज हिम है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसकी जो एपिथेलमियन है वो एक मैरिज हिम है। ये इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें एस्ट्रोफिल को याद करना है। एस्ट्रोफिल सिडनी की डेथ पर लिखी हुई एक एलिजी है। इसका जो शेफर्ड्स कैलेंडर था, जो कि इसने सिडनी को डेडिकेट किया था, फॉर हिम जो है, जो कि लव और ब्यूटी के ऑनर में लिखा गया है। एमोरेटी इसने अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था, जिसके अंदर 88 सोनेट्स हैं, और सभी सोनेट्स पेट्रार्कन पैटर्न के हैं। इसकी एलिजाबेथ बॉयल से शादी 1594 में हुई थी। एपिथेलमियन एक मैरिज हिम है, और ये एक चीज और है, एक एपिथेलमियन इसने लिखा है और एक एपिथेलमियन पीपी शैली ने लिखा है, लेकिन दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है, बस उसी से हमें पहचान लगानी पड़ती है। क्या आपको उस एपिथेलमियन की स्पेलिंग आती है? अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसने एक नया टाइप का स्टेंजा बनाया था, स्पेंसेरियन स्टेंजा, जो कि डिस्क्रिप्टिव या रिफ्लेक्टिव पोएट्री में यूज किया जाता है। इसका यूज थॉमसन ने द कैसल ऑफ इंडोलेंस में किया था, जॉन कीट्स ने ईव ऑफ सेंट एग्नेस में किया था, शैले ने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में किया था, और बायरन ने चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज में किया था। अब ये बातें हमें याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है द कैसल ऑफ इंडोलेंस में कौन सा स्टैंजा यूज हुआ है, हम कहते हैं ये तो क्वेश्चन ही बहुत अजीब सा है। क्यों अजीब है? थॉमसन स्पेंसर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए उसने द कैसल ऑफ इंडोलेंस में स्पेंसेरियन स्टैंजा का यूज किया। क्वेश्चन आ जाता है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस में कौन सा स्टैंजा है, हम कहते हैं हमें तो पता नहीं है, या द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कौन सा स्टैंजा है, या चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज में कौन सा स्टैंजा है, हमें कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने बेस नहीं पढ़ा है, हमने डीप नहीं पढ़ा है। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आया है, कि चार्ल्स लैम ने इसे पोइट्स पोइट कहा था। चार्ल्स लैम ने ये कहा था स्पेंसर इज द पोइट्स पोइट। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेंसर के। जैसा कि मैंने आपको बार बार ये बात कहता हूं कि ये जो बुक है, ये आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी।
अब हम बात करते हैं प्रोज की। उस समय प्रोज की स्टार्टिंग हो गई थी, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जॉन लिली का, जॉन लिली 1554 to 1606। इसने सबसे पहले वर्क लिखा था यूफियस। यूफियस में एक बहुत ही हाईली आर्टिफिशियल और डेकोरेटिव स्टाइल है। बर पर्सन ने इसको पढ़ा था और इसका जो इसके जो वर्ड्स थे, जो लाइंस थी, वो इसके डायलॉग्स हम कह सकते हैं, इसके डायलॉग बहुत फेमस हुए। ये जो वर्ड है यूफेमिज्म, ये इसे हम कह सकते हैं ये एक आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइपरबल स्टाइल है। यूफियस के अंदर क्या है, सेंटेंस जो है वो एंटीथीसिस और एलिट्रेशन का यूज करता है। जैसे कि अगर मान लो यूफियस यंग मैन को कैसे बताएगा, ऑफ मोर विट देन वेल्थ येट ऑफ मोर वेल्थ देन विजडम। जैसे एक इसके अंदर हमें बातें याद रखनी पड़ेंगी कि पहली बात तो ये है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर एंटीथीसिस और एलिट्रेशन के ऊपर बेस होती है, ये पहला पॉइंट है इसका। जैसे इसने एग्जांपल दिया है ऑफ मोर विट देन वेल्थ, यानी कि पैसे से ज्यादा बुद्धि, ऑफ मोर वेल्थ देन विजडम, लेकिन फिर भी बुद्धि से ज्यादा पैसा। और सेकंड इसका है कि इसमें हर जगह क्लासिकल रेफरेंस आता है, क्लासिकल अथॉरिटी का रेफरेंस हर जगह आएगा, ये बात हमें याद रखनी है। जैसे कि अगर वो फ्रेंडशिप की बात करेंगे तो कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप की बात नहीं करेंगे, वो फ्रेंडशिप की बात करेंगे जैसे डेविड और जोनाथन की फ्रेंडशिप की बात करेंगे। नेचुरल हिस्ट्री की बहुत ज्यादा इसमें एल्यूजन आएगा। तो ये तीन चीजें आप इसमें याद रखिए कि पहला इसमें एंटीथीसिस एलिट्रेशन का यूज है, दूसरा क्लासिकल अथॉरिटी का, और तीसरा नेचुरल हिस्ट्री का। ये तीन पॉइंट हैं जो इसके स्टाइल के हैं। तो याद रखिए, ये आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आपको अच्छे से याद आ जाएगी। यूफियस जो था, जो ये वर्ड, ये जो वर्क है, ये रिफ्लेक्शन और मॉरल्स की बात करता है। इसके अंदर कंटेम्परेरी सोसाइटी का क्रिटिसिज्म भी है, पर बड़ा ही एक्स्ट्रावेगेंट है। हालांकि वर्क प्यूरिटेनिक है, लेकिन एक लिबरल और ह्यूमन आउटलुक वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है यूफियस। नेक्स्ट है इसका सिडनी का आर्केडिया। आर्केडिया फर्स्ट एग्जाम्पल माना जाता है प्रोज पेस्टोरल रोमांस का, जो बाद में लगभग 200 साल तक लोगों ने इसको कॉपी किया था। इसके बाद में दो और हैं, एक है मेलोर, मेलोरी ने लिखा था मोट द आर्थर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है मोट द आर्थर, और दूसरा वर्क लिखा था रिचर्ड हकल्यूथ का वॉक्स, जिसमें उसने समुद्र की यात्राओं के बारे में बताया था। तो ये जो दो वर्क हैं, ये भी हमारे सामने है, एक मेलोरी का मोट द आर्थर और दूसरा हकल्यूथ का वॉक्स, ये भी आपको याद रखिए। सिन्हा जी, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए, सब लोग मिलकर ज्वाइन कीजिए, अच्छे से अपने स्टडी करेंगे। अब हमारा है प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड है 1600 to 1660। इसे प्यूरिटन एज भी कहा जाता है और एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, और इसको आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैकोबियन एंड कैरोलिन पीरियड।
जैकोबियन पीरियड में राजा थे जेम्स फर्स्ट, कैरोलाइन पीरियड में राजा थे चार्ल्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट का टाइम था 1603 टू 1625 एंड चार्ल्स फर्स्ट का था 1625 टू 1649 एंड देन उसके बाद आता है रेस्टोरेशन पीरियड जिसे हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं जो कि 1660 टू 1700 तक था। तो ये हमारे सामने प्यूरिटन एज का एक छोटा सा बैकग्राउंड है और मैंने इसको आपको डिटेल में भी बताया था जब मैंने एक वीडियो में आपको ये बताया था कि कौन सी एज का क्या टाइम पीरियड है। देखिए 17वीं सेंचुरी के अंदर जो रेनेसांस स्पिरिट था ना वो धीरे धीरे कम होने लग गया और राइटर्स या तो एलिजाबेथन पीरियड को कॉपी करने लग गए या नए तरीके पर चलने लगे। अब हमारे सामने शेक्सपियर, स्पेंसर या सिडनी जैसे लोग नहीं थे। ठीक है, अब 16वीं सेंचुरी में क्या हुआ आपको पता है ना, 16वीं सेंचुरी में हमारे सामने थे न्यूटन, बेकन और डेकार्टेस। तो इस तरह के हमारे सामने पर्सन थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक आपको मिलेगा सैमुअल पेपी की डायरी और एक आपने आपके सामने का मैट फॉक्स के जर्नल। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑटोबायोग्राफी भी थी और यहाँ पे जर्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपी की डायरी पर तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो स्टार्टिंग होती है ना, हमें देखिए हमारे सामने शेक्सपियर की लाइफ के बारे में कोई रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन नहीं थी लेकिन 17वीं सेंचुरी में फुलर और ऑबरी जैसे राइटर्स ने अपने टाइम के महान लोगों के छोटे छोटे फैक्ट्स इकट्ठे कर उनको क्रॉनिकल बना दिया। ऑटोबायोग्राफी भी इस समय चलने लगी और जर्नल भी इस समय चलने लग गए। तो इसमें हमारे को एक एक चीज लेके आनी पड़ेगी। यहाँ पे रियलिज्म बहुत ज्यादा आने लग गया, वास्तविकतावाद। इसलिए वो क्या करते लोग इस टाइम में किसी तंबाकू बेचने वाले पर या कोई बूढ़े शू मेकर के ऊपर भी ऐसे लिखने लग गए। 17वीं सेंचुरी जिसमें प्यूरिटनिज्म बहुत आगे था तभी इसे हम प्यूरिटन एज का कहते हैं या एज ऑफ मिल्टन कहते हैं। यूं याद रखिए मिल्टन प्यूरिटन, टन टन मिला लीजिए मिल्टन प्यूरिटन। इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा कि मिल्टन और प्यूरिटन दोनों मिलते हैं, यानी कि एज ऑफ मिल्टन ही एज ऑफ प्यूरिटन एज है। जो रेस्टोरेशन पीरियड तक प्यूरिटन जो थे वो एक नैरो माइंडेड ग्लूमी डोगमस्टिक लोग थे। नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच वाले, डोगमस्टिक मतलब लकीर के फकीर थे जो हर तरह की रिक्रिएशन, हर तरह के अम्यूजमेंट इसके खिलाफ थे और बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। हालांकि उन्होंने कोई अलग से धर्म नहीं बनाया था लेकिन अगर आपको याद हो उस समय के राजा थे क्रोमवेल, क्रोमवेल और मिल्टन, इन लोगों ने चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ लड़ाई की थी ताकि लोगों को आजादी मिल सके, यानी कि वे लिबर्टी और टॉलरेशन के रियल चैंपियन थे। हमें थोड़ा सा ये पता हो उस समय चार्ल्स फर्स्ट राजा थे और चार्ल्स फर्स्ट बहुत ज्यादा टायरनिकल थे, तानाशाह तरीके से राज करते थे। उनका विरोध किया था ओलिवर क्रोमवेल ने और उनको उन्होंने सत्ता से हटा दिया था। उस समय जो मिल्टन थे वो इनके लैटिन भाषा के मंत्री थे। अब प्यूरिटन जो शब्द था, उन्होंने प्यूरिटन शब्द किनको दिया गया? प्यूरिटन शब्द उन लोगों को दिया गया जो कि इंग्लैंड के चर्च में जो प्रार्थना थी उसके तरीके को बदलना चाहते थे। अब जो राजा चार्ल्स फर्स्ट थे और उनके सलाहकार जिनमें खास करके थे बिशप लाउड, ये जो सलाहकार थे ये लोग इस चेंज का विरोध करते थे, इसलिए इनका विरोध करना स्टार्ट हुआ और जो लोगों ने राजा चार्ल्स फर्स्ट का विरोध किया उनको नाम दे दिया गया प्यूरिटन। वैसे देखिए प्यूरिटन भी एक्सट्रीमिस्ट थे, अतिवादी थे। लड़ाई हुई, चार्ल्स फर्स्ट हार गए और उनको 1649 में उनका सर काट दिया गया और इसके बाद में राजा बने क्रोमवेल, सरकार का नाम रखा गया कॉमनवेल्थ सरकार और राजा बने क्रोमवेल।
अब ये बात हमें याद रखनी है, चार्ल्स फर्स्ट के साथ लड़ाई हुई थी। लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि वो लोग जो उनकी प्रार्थना का तरीका था उसे बदलना चाहते थे। राजा की तरफ से बिशप लॉर्ड जो थे वो क्लर्गी मैन थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। लड़ाई हुई, चार्ल्स फर्स्ट का सर काट दिया गया, ओलिवर क्रोमवेल कॉमनवेल्थ सरकार के अंदर राजा बने। अब क्या हुआ, क्योंकि ये थे बहुत ज्यादा धार्मिक, इसलिए इन्होंने अम्यूजमेंट पर रोक लगा दी, रिक्रिएशन मतलब लोगों के नाच गाने मनोरंजन पर रोक लगा दी, और बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों पर एक सख्ती लगा दी। यही वो लोग थे जो आजादी के लिए लड़े थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के ऊपर सख्ती बहुत लगा दी। इसके कारण लोग इनका विरोध करने लग गए। इस एज में किसी ने कोई खास काम नहीं किया, सिर्फ एक जॉन मिल्टन जो था उसी ने वर्क लिखा था। वैसे इसमें प्यूरिटन पोइट्री है, हम इसे मिलाकर जैकोबियन कैरोलाइन पोइट्री भी कह सकते हैं। इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है स्कूल ऑफ स्पेंसर, मेटाफिजिकल स्कूल एंड कैवेलियर पोइट। ये तीन तरह के हमारे यहाँ पे स्कूल आएंगे हमारे सामने। पहला है स्कूल ऑफ स्पेंसर। जिन लोगों ने स्पेंसर को फॉलो किया उन्हें हम स्पेंसेरियन या स्कूल ऑफ स्पेंसर कहते हैं। स्कूल ऑफ किसी की चीज के स्कूल का मतलब है उसको फॉलो करने वाले। इनमें मेन थे फिनिस फ्लेचर और उनके भाई गिल्स फ्लेचर। ये दोनों भाई थे, ये इसका सबसे पहले फॉलो करते थे। ये दोनों भी पादरी थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। फिनिस फ्लेचर ने काफी सारे वर्क लिखे, एक सबसे फेमस है द पर्पल आइलैंड। पर्पल आइलैंड एक एलिगरी है, एक एलिगरी है जिसके अंदर उसने टेम्परेंस और उसके दुश्मनों के बीच जो स्ट्रगल है, जो इंसान की विल इंसान की इच्छा है, और सतन जो शैतान है इसके बीच में जो स्ट्रगल है उसको बताया है। हालांकि पैटर्न फेरी क्वीन वाला ही है, लेकिन वो स्पेंसर की तरह बड़ा शानदार नहीं है। गिल्स फ्लेचर जो था उसने वर्क लिखा था क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रंप इन हेवन। ये जो वर्क था इसका इतना बड़ा वर्क है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रंप इन हेवन एंड अर्थ ओवर द एंड आफ्टर डेथ। ये भी एक एलिगरी है और इसके अंदर टेम्पटेशन है, क्रूसिफिकेशन है, क्राइस्ट का रिस्ट्रक्शन है। यानी कि इसने स्पेंसर और मिल्टन की पोइट्री को जोड़ने की कोशिश की है। दोनों वर्क हमें याद करनी है। पहले भाई का नाम है फिनिस फ्लेचर जिसकी वर्क है पर्पल आइलैंड, और दूसरा भाई है गाइल्स फ्लेचर जिसका वर्क है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रंप इन हेवन। इसके बाद में कुछ और छोटे छोटे पोइट थे। विलियम ब्राउन, विलियम ब्राउन का वर्क है ब्रिटानिया पेस्टोरल, जिसमें उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी स्पेंसर से इन्फ्लुएंस थे, सिडनी की आर्केडिया से इन्फ्लुएंस थे, इसलिए इसमें एलिगरी के साथ इन्होंने सटायर को मिला दिया। इसी तरीके से दूसरा है जॉर्ज विदर, इनकी पोइम का नाम है द शेफर्ड्स हंटिंग। ये एक सीरीज है फिडेला, फेयर वर्च्यू, द मिस्ट्रेस ऑफ फिल्ट्रेट। ये कुछ इनके खास वर्क हैं, हमें इनका सिर्फ नाम याद करना है। एक है ड्रूमंड, ड्रूमंड एक स्कॉटिश पोइट थे। इनकी सबसे फेमस पोइम है टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलेडीज। ये एक एलिगरी है सोनेट्स फ्लावर्स ऑफ सियोन एंड पेस्टोरल। ये सारी इनकी पोइम्स है, इनके हमें नाम याद हो। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम मेटाफिजिकल पोइट्स को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं इसमें और क्या क्या सुधार कर सकता हूं।
AKM LP अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइए।